आज इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए बन रहा है एक बहुत ही स्पेशल टिफिन। तो बच्चे तो खुश होंगे ही, साथ साथ मम्मी भी खुश होने वाली है क्योंकि इसके अंदर जाने वाली है बहुत सारी वेजीज। वेलकम टू एपिसोड 33 ऑफ टिफिन सीरीज और आज मैं बना रही हूँ मैक्सिकन राइस। चलिए देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया। तो सबसे पहले ना मैंने रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, ग्रीन कैप्सिकम इन सबको ना ऐसे छोटा छोटा डाइस कर लिया। फिर मैंने लिए दो टमाटर जिन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया क्योंकि मैंने इन्हें मिक्सी में पीसना था। फिर मैंने प्याज को रफली चॉप कर लिया, इसे डाला चॉपर में और साथ में डाला गार्लिक। बट ये मेरा नया चॉपर दूसरी बार में ही टूट गया, तो फिर मैंने इलेक्ट्रिक चॉपर निकाला और उसके अंदर इस प्याज और गार्लिक को चॉप कर लिया। पैन में डाला थोड़ा सा ऑयल और उस पर डाल दिया ये चॉप्ड अनियन और गार्लिक। इसे कुछ सेकंड्स के लिए भूना और डाल दिए इसके ऊपर पिसे हुए टमाटर। 2 से 3 मिनट तक इसे भी भूना और डाल दिए बेसिक से स्पाइसेस, ओरिगानो, चिली फ्लेक्स, नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इसे मैंने बहुत बढ़िया से मिक्स किया और इसके ऊपर डाल दी 2 चम्मच केचप और ये जो वेजीज हमने कट करके रखी थी और साथ में मैंने डाल दिया बॉइल्ड कॉर्न। इसी के ऊपर गए बॉइल्ड राजमा और इन्हें बहुत बढ़िया से मिक्स करके मैंने डाल दिए इसके ऊपर बॉइल्ड चावल। तो इसमें ना कुकिंग बहुत ज्यादा नहीं करनी होती है, हम बैक टू बैक सब्जी, राजमा और चावल को डाल के बस मिक्स कर देंगे। और ये देखिए कितने फ्लेवरफुल, टेस्टी येट विद अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स मैक्सिकन राइस हो गए तैयार। डू गिव इट अ ट्राई एंड फॉलो फॉर मोर।